ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न हमें देखने को मिल रहा है। बच्चे इस फैसले से खुश हैं या नहीं, ये जानने और समझने के लिए चलते हैं सीधा हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और ये कहा है कि ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के दिए गए हैं उनका री एग्जामिनेशन होगा 23 जून को। क्या कुछ अपडेट्स है इस मामले से जुड़ा हुआ, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात थी आज ग्रेस मार्क्स को लेकर ये याचिका थी, और कहीं ना कहीं एंटी ने ये तो माना है कि ग्रेस मार्क्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, तभी उन्होंने उस जजमेंट को वापस लेने की बात कही है। लेकिन क्या इससे उन बच्चों को फायदा होगा जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, परेशान है? हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर चैतन्य। ये जो डिसीजन आया है कि 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स है वो वापस ले लिए जाएंगे, इससे आपकी रैंकिंग पर, आपकी पोजीशन पर, या फिर ओवरऑल जो कट ऑफ जो बहुत हाई गई थी उस पर कोई फर्क पड़ेगा? सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। 1563 से 24 लाख बच्चे बैठते हैं सर नीट में, तो सर उसमें 1563 से बच्चों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल बच्चे बढ़ते हैं। एनटीए कहना है कि इस साल बच्चे बढ़े हैं इसलिए इतनी कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन सर हर साल बच्चे बढ़ते हैं लेकिन कट ऑफ मैक्सिमम 5 या 6 नंबर से बढ़ती है, लेकिन सर इस बार पूरी 50 नंबर से कट ऑफ बढ़ी है। तो इसका मतलब सिर्फ मार्क्स पेपर लीक ही है। ये जो ग्रेस मार्किंग का बता रहे हैं एनटीए, ये सिर्फ उस मार्क्स पेपर लीक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हो, क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? सर हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सर रीनीट हो, ताकि क्योंकि सर आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अगर एक बच्चे के पास पेपर आ जाए तो सर वो कितने बच्चों को फैला सकता है। सर एक 2015 में पेपर लीक हुआ था, पर तब इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में सर मास पेपर लीक बहुत आसानी से हो सकता है। सर ये वो बच्चे हैं जिनको आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि री एग्जाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वही एक तरीका है जिसमें हम मान सकते हैं कि फेयर तरीके से हमने एग्जाम दिया है, फेयर तरीके से इवैल्यूएशन हुआ है, फेयर तरीके से हमने स्कोर मिले हैं। बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं एक बात तो ये जाहिर हो रही है कि एनटीए अपने अब कई स्टेप्स पर पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले वो लगातार, कल भी उन्होंने एक रिलीज जारी करी जो कि 9 पेज की थी, उसमें 37 से ज्यादा पॉइंट्स थे। उन्होंने उसमें भी कहीं ये नहीं माना कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आज कोर्ट में आते ही उन्होंने खुद ही ये ऑफर रख दिया कि ठीक है, हम ग्रेस मार्क्स को लेकर हम पीछे हटते हैं और भी एग्जाम करवा देंगे। लेकिन अब जब एनटीए पीछे हटा है तो ये सवाल और बड़ा होता है कि क्या बाकी चीजों में भी खामियां हैं? क्या खामियां इस बात में भी है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 6-6, 7-7 बच्चों का एक साथ एक जैसे नंबर लेकर आना, वो भी टॉप के, ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं। तो कुल मिलाकर आज जो जजमेंट आया उससे कम से कम जो बच्चे हैं वो खुश नहीं दिखा पा रहे, और जिसके पिटिशनर थे अलग पांडे जो कि फिजिक्स वाला के सीईओ है, वो भी ये कह रहे हैं कि 1563 नंबर तो बहुत छोटा है, ये वो बच्चे हैं या फिर ये वो बच्चे हैं जो कि कोर्ट पहुंचे थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें टाइम कम दिया गया है। लेकिन असल में गांव में, देहात में और कई छोटे छोटे शहरों में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके सेंटर्स पर उन्हें कम समय मिला होगा लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंचे। एक तो उनकी उम्र बहुत कम है और उनमें इतनी समझ है नहीं कि जो है कोर्ट जाने के बाद उन्हें दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ना तो पिटिशनर्स इसके जो थे वो खुश हैं और ना ही बच्चे किसी भी एंगल से आज संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मनीष, यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेना भी बहुत जरूरी है एनटीए की तरफ से कि ये पेपर लीक हुआ तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। देखिए, भुगतान तो बच्चों को करना पड़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ाई की, जमकर मेहनत की, पूरा वक्त लगाया तैयारी करने में, उनको अब दोबारा एग्जाम देने हैं। जिनके ग्रेस मार्क्स आए उनकी गलती नहीं है, मगर ग्रेस मार्क्स उनको मिल गए, कईयों को मिले, कईयों ने पेपर लीक अगर हुआ है तो वहां से तैयारी की है, उस वजह से मिले हैं। इसकी जिम्मेदारी एनटीए ले रहा है क्लियरली कि नहीं? नहीं, अभी तक एनटीए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और ये बच्चे और पिटिशनर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है वो पेपर लीक का है, पेपर लीक हुआ इस वजह से कट ऑफ आई गई, इस वजह से जो रैंकिंग थी वो पूरा ऑर्डर गड़बड़ हुआ है। आप क्यों नहीं पेपर लीक के मामले की जांच करवा रहे हैं? एनटीए चाहे तो वो किसी को भी केस रेफर कर सकती है सरकार से बोलकर, चाहे तो सीबीआई या फिर दूसरी एजेंसीज को, लेकिन ऐसा अभी तक एनटीए ने माना ही नहीं है, जबकि इसको लेकर कई सारे केसेस भी अलग अलग स्टेट में हुए। बिहार में जिस तरह से 5 मई को एग्जाम हुए, 8 मई को वहां पर कुछ लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास से नीट का पेपर मिलता है, वो भी जला हुआ, मतलब उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जब उन आरोपियों से बातचीत होती है तो बताते हैं कि हमें एक रात पहले पेपर मिल गया था और रात भर बैठकर हमने वो जवाब रटे हैं, उसके बाद एग्जाम दिया है। तो इन सारी चीजों पर एनटीए क्यों नहीं जा रहा है, एनटीए क्यों ये इस पर जांच को भी तैयार नहीं हो रहा है? देखिए, दो बड़े पॉइंट है मनीष जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक का मामला, अगर ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम भी करा दिया जाता है तो क्या ये उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है?
या फिर वो बच्चे गलती से ज्यादा नंबर नहीं ले आएंगे जिन्होंने चीटिंग से पेपर दिया है? जिन्होंने चीटिंग की है वो नंबर ज्यादा ले आएंगे, इसकी संभावना तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, 1563 नंबर बहुत छोटा है उसके सामने जहां पर 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हो। अगर इन 1563 बच्चों के मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो समस्या जो है वो मूल रैंकिंग की है कि उस रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो कट ऑफ बहुत हाई गई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो माना जाता है कि आप 620 से 650 के बीच नंबर लेकर आते हैं, स्कोर करते हैं, तो आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जो कि इस बार 620-650 नंबर लाने वाले की जो रैंकिंग है वो 35,000 के ऊपर निकल गई है। मतलब उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो जो मूल मुद्दे हैं उनसे इस 1563 बच्चों के री एग्जाम या उनके ग्रेस मार्क्स हटा देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए बार बार जो बच्चे एक और मनीष बड़ा सवाल ये है कि एक जो बात आप कह रहे हैं 1563 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वैसे के वैसे ही जारी रहेगी, तो अगर 1563 बच्चे दोबारा पेपर भी दे देते हैं तो उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी और बाकी बच्चों की काउंसलिंग की प्रोसेस पर तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं? इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। एनटी ने ये ऑफर दिया था कि हम 23 जून को दोबारा एग्जाम करवा सकते हैं, 30 जून तक हम नतीजे घोषित कर देंगे, 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है, मतलब पूरा पूरा टाइम मिलेगा। इससे काउंसलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और काउंसलिंग को होल्ड करने को लेकर या कैंसिल करने को लेकर जो पहले भी याचिकाएं हैं उस पर कोर्ट ने मना कर दिया कि हम काउंसलिंग पर फिलहाल